वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से संपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिल सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। इससे जो समय बचता था वह उसे जुए खेलने में व्यतीत कर देता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसाय में उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म था, जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों से भी उनका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसे उसका लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। करने के बाद उसे सारी बात बताई, तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा। कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भींगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि विधान के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। जो भी व्यक्ति
मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भगवान को प्राप्त करता है। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण।